हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयंक और मैं BPSC 68 CCE में ब्लॉक SC ST वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि 68 ऑनवर्ड्स 67 के बाद 68 और 69 में जिस तरह से पैटर्न चेंज हुआ प्रीलिम्स में मेंस में, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, 2-3 मिनट समय दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में है वो वन लाइनर पैटर्न अब ख़त्म हो गया, तो आपको थोड़ा इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एडिटोरियल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यू मस्ट फॉलो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और वॉट एवर वन न्यूज़पेपर ऑफ योर चॉइस। और अगर आप हिंदी से हैं तो आपको दैनिक जागरण का, राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता या कोई भी एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए रेगुलरली। उसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना चाहिए। साथ ही में जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे तो वो वन लाइनर नहीं होते, वो मल्टीपल स्टेटमेंट होते। आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं तो आपको थोड़ा आर्ट एंड कल्चर और बाकी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा UPSC पैटर्न जो 2016 से पहले वाला था, तो कहीं ना कहीं वही मिक्स्ड पैटर्न पे अब BPSC जा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। बिहार करंट अफेयर्स में भी अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, आपको थोड़ा सा लोकेशन और उस न्यूज़ का थोड़ा डिटेल एनालिसिस चाहिए। तो डिटेल एनालिसिस तभी मिलेगा जब आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मैगजीन्स में सब कुछ पॉसिबल नहीं है इंक्लूड करना, क्योंकि वो बहुत बल्क हो जाएगा और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो वो है, उसके अलावा वेट इज़ वही है ऑलमोस्ट। साइंस एंड टेक में अब टेक का क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा है। जैसे कुछ पर्टिकुलर टर्म्स उठा के पूछ देंगे कि दिस टर्म इज़ इन न्यूज़, तो ये जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ में क्यों था। नाउ कमिंग टू मेंस, तो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उससे एक तीर से तीन निशाने लगेंगे। आपका PT कवर होगा, आपका मेंस कवर होगा, आपको इंटरव्यू के लिए भी पॉइंट्स अच्छे अच्छे मिलेंगे। हालांकि इंटरव्यू में रिसेंट के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी होता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा डिटेल कोई टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बर्निंग न्यूज़ है, तो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब फ़ायदा आपको होगा, मल्टीपल फ़ायदा होगा जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। रेस्ट बुक्स वही हैं, NCERT को पढ़िए। उसके अलावा घटना चक्र है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, बुक लिस्ट तो सबका वही सेम होता है, तो आप उन सब चीज़ों को पढ़िए। और हो सके तो UPSC के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2016 तक है या फिर जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं उनको लगा लीजिए, तो वो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अब रिसेंट एग्ज़ाम्स में। जैसे आप कल का ही UPSC का पेपर देख लीजिए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछा गया है, यूनेस्को का रिसेंट जो साइट ऐड हुआ उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप PCS कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना ही चाहिए ऑब्वियसली, और आपको पता होगा भी। तो यही चीज़ें हैं, इन पर फोकस करिए और फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।